गुप्ता जी किस बारे तुसी ये की कहंदे आ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, की कहना चाहोगे? मेरा नाम प्रेम सागर गुप्ता है, मैं अध्यक्ष हूँ श्री सनातन धर्म मंदिर सभा सेक्टर 79 का। आज हमारी मीटिंग थी जो कि हम 20 तारीख को सालासर बाबा का जो है वो प्रोग्राम करवा रहे हैं, साला एक शाम सालासर जी के नाम 20 तारीख को वीरवार को शाम को 5 बजे जो है श्री सनातन धर्म मंदिर सभा में होगी। उसके लिए हमने आज एक मीटिंग रखी जिसके अंदर हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स तकरीबन 15 लोग हाजिर हुए। उनसे हमने सबसे डिस्कस की कि भई ये प्रोग्राम किस तरीके से चलना चाहिए, तो सभी ने एक ही बात कही कि भई लंगर के अंदर अलग ड्यूटी लगनी चाहिए और जो लोग आएंगे वो लाइन के अंदर आएं और लाइन के अंदर आकर भगवान को मत्था टेकें और प्रसाद जो देना है उनकी अलग ड्यूटी हो और जो लोग आ रहे हैं उनके हर आदमी के तिलक लगे और हर आदमी के जो है वो मूली बांधी जाए। ये ऐसा प्रोग्राम है। और इसके बाद जो खाने का प्रोग्राम है उसके अंदर भी हम सबको लाइन के अंदर खाना खिलाएं, हर आदमी एक लाइन के अंदर जाए और अपनी थाली ले और खाना जो है वो खाए। इस प्रकार से जो है हमारे उम्मीद है 400 से 500 आदमी जो हैं इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। सर कोई भजन गायक वगैरह भी आ रहे हैं? इसमें हमारा मेन भजन गायक जो है वो हेमंत अग्रवाल लुधियाने वाले आ रहे हैं, वो 4:30 बजे मोहल्ले में पहुंच जाएंगे। और ये जो प्रोग्राम है ये एक ही आदमी जो है वो करवा रहा है, उनका नाम है तरसेम गुप्ता जी और उनकी मिसी जो है विशाली गुप्ता वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं भी ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब होना चाहिए, क्योंकि वो चाहती है मेरे हस्बैंड का जन्मदिन है और ऐसा जन्मदिन मनाया जाए, उन्हें पता लगे मेरी पत्नी ने जो है वो मेरा जन्मदिन मनाया है। तो उन्होंने सारी ड्यूटी जो है वो मेरे को दी भी गुप्ता जी आपने ये जो प्रोग्राम है ये करना है जिससे प्रोग्राम बढ़िया बने, क्योंकि हर आदमी को किसी ना किसी आदमी पे विश्वास होता है, तो उसने मुझ पे पूर्ण विश्वास करके सारा प्रोग्राम मेरे ऊपर सौंपा है। आप इसको किस तरह से देखते हो जब कोई भक्त या कोई श्रद्धालु आपके मंदिर में, जैसे कि आप बता रहे हो कि श्री सनातन धर्म मंदिर आपकी है, आप उसमें सभा के प्रधान हो, अगर कोई आके इंडिविजुअल जो है, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं लोग अपने घरों के पास कराते हैं, साला जी की जो भजन संध्या है अपने नाम वो अपने घर पे करवाते हैं, लेकिन उन्होंने मंदिर को सिलेक्ट किया, आप लोगों पर सारा काम छोड़ा, कि इस चीज पर आप क्या देखते हो इसको? इसमें ये है कि एक तो आदमी को विश्वास होता है कि जो मैं काम इन्हें सौंप रहा हूँ वो काम बढ़िया होगा। जो आदमी घर पर प्रोग्राम करवाते हैं वहाँ पर 100-150 आदमी आते हैं, मंदिर एक ऐसी जगह है सभी के लिए ओपन है। हाँ सभी के लिए ओपन है, कुछ नहीं है, सभी प्रोग्राम नहीं 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 पारिवारिक प्रोग्राम, कोई भी श्रद्धालु आ सकता है। और हमने जितने अपने कमेटी के ट्रस्टी हैं, जितने हमारे लाइफ मेंबर हैं या जो हमें जानते हैं, हम सभी को इनवाइट किया है, कार्ड भी छपवाया है। इसके अंदर हमने चीफ गेस्ट भी रखे हैं, जो अपने कुलवंत सिंह जी MLA हैं मोहाली के, उनको हमने बुलाया है और वशिष्ठ साहब को भी हमने रिक्वेस्ट की है, संजीव वशिष्ठ जी को भी, आप भी मत्था टेकने आएँ और भगवान के दर्शन करें और आशीर्वाद परमात्मा का प्राप्त करें। तो जिस तरह सर कह रहे हो कि आप सारा कुछ लाइन में होगा, सारा प्रबंध होगा, इसके लिए आप लोगों ने प्लानिंग की है, लेकिन जब इस तरह का मंदिर में एक फेस्टिवल सीजन है, क्योंकि दिवाली नज़दीक है, तो आपको लगता है कि इस टाइम पे इतनी गैदरिंग हो जाएगी जितना आप अंदाज़ा लगा के चल रहे हो? ऐसा है, जो हमारे आज 15 के करीब जो एग्जीक्यूटिव मेंबर आए, तकरीबन सभी ने कहा 25-30 लोग हम लाएंगे, तो अगर 15 आदमी हैं 30 आदमी एक आदमी लाता है तो 450 आदमी तो वैसा ही हो गया। और फिर ये सारी ड्यूटी जो है, खाने की ड्यूटी, बनवाने की ड्यूटी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट सुनील सूद जी ने जो है वो अपने कंधों पर ली है और इन्होंने आज तक जो भी काम लिया है अपने जिम्मेवारी पर, इन्होंने बेखूबी से बहुत अच्छे ढंग से उसको निभाया है। तो इन्होंने कहा गुप्ता जी ये सारी जिम्मेवारी मेरी है, मेरी तो जिम्मेवारी ही इन्होंने ख़त्म कर दी अपनी, अपने ऊपर जिम्मेवारी लेकर। सर प्रोग्राम कितने बजे शुरू होगा, कितनी देर तक चलेगा, उसके में क्या कुछ होगा? जैसे भजन संध्या तो है लेकिन स्टार्ट कब से होगा? 4 बजे जो है वो इसके अंदर जो है वो पूजा शुरू होगी, हनुमान जी की पूजा होगी। इसके अंदर सालासर बाबा का दरबार लगेगा, म्यूजिशियन आएंगे, माइक होगा
और चेयर जो होंगी बैठने के लिए अगर स्थान होगा, हमारी जो लेडीज मंडली है उसके भी ज़्यादा ना ऐसी 40-50 लेडीज हैं जो मतलब मंदिर से जुड़ी हुई हैं और भजन बहुत बढ़िया करती हैं वो, तो वो भी आकर अपना शुरुआत जो है वो वहाँ से शुरू होगा, पहले वो भजन करेंगी, जिसके अंदर हमारे अपने हेमलता गुप्ता है, कमला कटोच हैं, नीरू सूद है, तो मिसिदाना ये मेन है जो आगे आकर जो है वो प्रोग्राम को करती हैं और बहुत बढ़िया तरीके से प्रोग्राम होता है। तो ये जो आपकी कमेटी की तरफ से इस तरह की भजन संध्या करवाई जा रही है किसी श्रद्धालु के तौर, मतलब एक बार पहली बार, और ये पहली बार इस तरह का अनोखा मतलब प्रोग्राम होने जा रहा है कि श्रद्धालु ने अपनी तरफ से करवाया, इससे पहले भी परंपरा चली आ रही है कि अपने पति के जन्मदिन पर इस तरह का कार्यक्रम? नहीं, ये पति के जन्मदिन पर तो पहली दफा है। पहले हमने एक प्रोग्राम नवम्बर में करवाया था जो कि हमने अग्रवैश्य संसार मासिक पत्रिका हमारी चलती है उसके द्वारा हो रहा था और बहुत बड़ा प्रोग्राम था, सारा ग्राउंड उस टाइम मेरे ख्याल में 1500 से 2000 आदमी जो है हमारे प्रोग्राम में आया था। गुप्ता जी, आखिरी सवाल है आपसे कि जैसे ये तो एक पत्नी अपने पति के लिए करा रही है, ये उम्र होगी इनकी, बड़े आई है ना, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे, बच्चों का भी जन्मदिन मनाना चाहिए ऐसे कि अपनी संस्कृति से जुड़े, मंदिर के बारे पता लगे, कुछ उनको ऐसा कुछ करना चाहिए लोगों को, क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए ये तो भावना के ऊपर है, मतलब हम कह सकते हैं कि बच्चों के जन्मदिन पर भी आप जो है वो भजन संध्या करवाएं, कोई ऐसे अच्छे प्रोग्राम रखें ताकि मंदिर में बच्चे आएँ, सनातन धर्म से बच्चों को पता लगे हमारा धर्म क्या है, क्योंकि आज जो बच्चे हैं वो मंदिर से या और दूसरी चीज़ों से जुड़ते नहीं हैं, उनको और डांस हो रहा है कहीं वहाँ चले जाएंगे, मंदिर में कम आएंगे, पर ऐसा लोग है कि भी जो मंदिर से जुड़ें, तो अगर हर पेरेंट्स अपने बच्चों को मंदिर लाएगा तो मंदिर से जुड़ेंगे। अभी मतलब उन्होंने जो विशाली गुप्ता है उन्होंने कहा जी मैं यहाँ पर भागवत कथा भी करवाना चाहती हूँ, तो मैंने कमेटी से बात की तो कमेटी वाले कहने लगे भी बहुत अच्छी बात है अगर वो भागवत कथा करवाना चाहती हैं और हमारे मंदिर में पहली भागवत कथा होगी, तो 31/10 से मंदिर में जो है भागवत कथा भी जो है भगवान की कृपा है भी प्रारंभ होगी और 6 तारीख तक जो है 6 नवंबर तक भागवत कथा चलेगी, जिसका समय सुबह मतलब दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक होगा। उसके अंदर भी हम सभी मंदिरों से, सभी पेपर वालों से, और मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ, जैसे आप हमारी खबर जो है वो जब भी हम आपको बुलाते हैं आप आते और बहुत अच्छे ढंग से हमारे प्रोग्राम को लोगों के अंदर दिखाते हो भी ये मंदिर का प्रोग्राम हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे पेपर वाले या मतलब टीवी चैनल वाले बहुत कम हैं जो कि पर्सनल इंटरेस्ट लेकर जो है वो प्रोग्राम को करते हैं या लोगों तक हमारा संदेश पहुंचाते हैं। आप हमारा ही संदेश नहीं, मैंने और भी मंदिरों का देखा आपने, जैसे ब्राह्मण सभा है, 3B1B12 का है और का है, कई मंदिरों के सेक्टर 8 का भी मंदिर आपने जो है वो कवर किया पीछे, और भी कई मंदिरों का आपने प्रोग्राम जो है वो कवर किया, मैंने देखा मतलब बहुत अच्छे ढंग से आप जो ये मंदिरों का प्रोग्राम कर रहे हो बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हो, परमात्मा आपको तरक्की दे, आपके घर में सुख समृद्धि दे, आपको धन दौलत से भरपूर करे, और भगवान आपको इतना धन दे कि भी आपसे संभला हुआ भी ना संभले, ये मेरी दिली इच्छा है। मंदिर की महिमा के बारे में बात की जाए, जिस तरह से आप साला जी की भजन संध्या करवा रहे हो उस पर मतलब कि क्या कहना चाहोगे? देखिए सालासर बाबा की कृपा से ही हमें जमीन मिली, सालासर बाबा की कृपा से ही हमारी बेसमेंट बनी, सालासर बाबा ही हमें जो है वो कलेक्शन दे रहा है, सालासर बाबा की कृपा से ही आज जो है बेसमेंट के ऊपर जो पहली छत डलने जा रही है, चारों तरफ 4 दीवारें बन चुकी है और पहली छत डलेगी, इसके अंदर हमारे को कम से कम अभी 25 लाख चाहिए। तो ये जो ये सारा कुछ है ओवरऑल, इसका क्रेडिट आप किसको देते हो, शेयर किसको जाता है इसका? इसका क्रेडिट सारे मंदिर कमेटी को है जी, जो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं, हमारे ट्रस्टी हैं, हमारे लाइव मेंबर हैं, ये सब उन्हीं की मेहरबानी है, वो जो हैं जी और हमारे जो सेक्टर निवासी हैं उनको है, बाकी हमारे दूर दराज से जो रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, यार दोस्त हैं, जिन्होंने मंदिर से जुड़े हुए हैं, पैसे देते हैं, उन सभी को है ये जी। सर
देखो जैसे जैसे गुप्ता जी ने बताया कि मैंने जिम्मेवारी लगाई, तो जिम्मेवारी तो सारी कमेटी की हुई, हमने सारी कमेटी को इन्वॉल्व किया, उनकी अलग अलग ड्यूटी लगाई कि आप लंगर पे होगे, आप व्यवस्था यहाँ की देखोगे, आप स्टेज देखोगे, जो मेहमान आ रहे हैं। और उस सबसे बड़ी बात ये है, प्रोग्राम आपने पूछा कि जन्मदिन पे बच्चों के भी, अभी बच्चों के जन्मदिन पे हमारे हर मंगलवार को लंगर चल रहा है, तकरीबन किसी ना किसी बच्चे का या बड़े का जन्मदिन, हाँ, एडवांस बुकिंग के साथ चल रहा है। ये भी सब बाबा की कृपा है। अभी जैसे गुप्ता जी ने बताया कि बेसमेंट हमारी सीमेंटेड वर्क कंप्लीट हो गया है, उसका पत्थर टाइल का काम चलना है, और ग्राउंड फ्लोर का काम हमने शुरू कर दिया है, जो दीवारें हमारी लेंटर तक आ गई हैं। उसमें लेंटर के लिए हमें काफ़ी पैसा चाहिए, क्योंकि एरिया भी डबल हो गया, पीछे जो हमारा 20 फुट खाली जगह उस पर भी लेंटर डालना है। तो अब तो यही हम लोगों से प्रार्थना करते हैं, भी बढ़ चढ़ कर हमें दान दें, दान में पैसा, सीमेंट, बजरी, सरिया, कुछ भी दान कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ हम सभी सेक्टर वासियों से, अपने मित्रों से, अपने मेंबर से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लाइफ मेंबर बनाएं, ट्रस्टी बनाएं, जो भी लोग इच्छुक हों उनको हम मंदिर के साथ जोड़ें, बच्चों को ज़रूर जोड़ें, बच्चों को, यूथ को जोड़ें, क्योंकि आगे यूथ ने ही संभालना सब कुछ। अभी से वो हमारे लाइन में आएगा तो सब उसे पता चलेगा कि काम कैसे होता है, क्या होता है। तो यही सबसे मेरी प्रार्थना है कि प्रोग्राम देखो उनकी सब कृपा है, हम पहले भी करवा चुके हैं, गुप्ता जी का पुराना एक्सपीरियंस, हमारा कुछ नया, कुछ सारे मेंबर्स का, जैसे हमारे कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं बहुत बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, हमारे साथ लंगर की एक ड्यूटी हमने दे रखी है सोम प्रकाश शर्मा जी को, बड़ी अच्छी तरह निभा रहे हैं वो लंगर की, वो तो उस दिन लंगर की भी सारी ड्यूटी मांग रहे थे, हम कहता हम सभी आपके साथ हैं लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। जो 15 मेंबर हमारे बैठे थे, जिसमें ये भूषण गोयल जी थे, ये संजय बेरी जी, अजय गुप्ता जी, पंकज गुप्ता, और उसमें विजय चौधरी, भगवान दत्त, ये एमपी सिंह जी हमारे चेयरमैन, वो सभी ने है नी, हाँ जी, वो कालिया जी, रमेश चंद शर्मा, और जिस जिस को हमने जो जो काम के लिए कहा ना, बढ़ चढ़ के उन्होंने आगे होके काम लिया है। मतलब तभी काम सफल होते हैं अगर सारे करें, अगर एक ही बंदा सारी जिम्मेवारी लेगा तो नहीं होगा। तो जय श्री राम, मैं भूषण गोयल फ्रॉम मोहाली तो जी, मंदिर के मैंबर हाँ जी। मैं सब लोगों को अपील करता हाँ कि इस जागरण में सारे मैंबर, सारे अपना सैक्टर निवासी वो तो हिस्सा लैन, तो बाबे का आशीर्वाद प्राप्त कर। राम राम जी। मैं अजय गुप्ता कोषाध्यक्ष हूँ सनातन धर्म मंदिर सभा सेक्टर 79 का। मैं क्योंकि ज़्यादातर सिर्फ वित्त के जो फाइनेंशियल मैटर है वही देखता हूँ, तो उस हिसाब से यही कहूँगा कि हमारे को जितने हमारे सेक्टर निवासियों ने जो बढ़ चढ़ के साथ दिया, उनके आगे रिश्तेदारों ने, भाई बंधुओं ने जो साथ दिया है, वो बहुमूल्य साथ है, और उनके साथ का ही नतीजा है जो आज हमारा बेसमेंट डल चुकी है और हम फर्स्ट फ्लोर में थोड़े से पैसों से 20-25 लाख रुपए से शॉर्ट हैं। बाकी हमारे तकरीबन फर्स्ट फ्लोर की भी डिमांड 25 लाख रुपए और होने से वो फर्स्ट फ्लोर डल जाएगी। हमारे पास बहुत सारे मंदिरों के सबने कमिटमेंट करी हुई है कि मैं ये मंदिर दूंगा, वो मंदिर दूंगा। हमारे जिस तरह ये भाई तरसेम जी, जो ये उनके परिवार की तरफ से उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये बाबा सालासर बाबा का कीर्तन हो रहा है, उसके पश्चात जो लंगर प्रसाद का वितरण होना है, तो ये बहुत ही बढ़िया कार्य है। हमें ये भी पता है कि ये देखो बाबा ही उनके मन की आवाज़ बनता है। आपने एक सवाल किया था कि उन्होंने घर में नहीं किया, घर में करने से जैसे प्रधान जी ने कहा कि 150 आदमियों का उनको मान लो आशीर्वाद मिलता, और बाबा का आशीर्वाद भी 150 आदमियों को मिलता, यहाँ बाबा का आशीर्वाद भी 500 आदमियों को मिलेगा, और पता नहीं 500 आदमियों में से किसकी बाबा सुन के उनको आशीर्वाद देगा। उसके अलावा ये एक जो प्रोग्राम है, ये हमारे मंदिर में अब 500 बंदे आएंगे, उनमें से और नए बंदे हमारे साथ मंदिर के साथ कुछ ना कुछ जुड़ेंगे, जो कि
हमारे जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक सामाजिक ताना बाना बहुत अच्छा बुना जाता है इससे। अन्यथा हर आदमी अपने कार्य से आएगा, अपने घर में चला गया, उसकी दुनिया सिकुड़ के वही चार पांच बंदों पर रह जाती है और फेसबुक व्हाट्सएप पर चलती है। मंदिर में आने से हम 10 बंदों से मिलते हैं, 10 बंदों से अपने जो भी दैनिक जीवन है वो साझा करते हैं। हर मनुष्य को अपनी अपनी कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, वो भी जब साझा करते तो मंदिर में बैठने से 10 बंदों से हमें कुछ ना कुछ अपनी समस्याओं का समाधान भी मिलता है। मैं हमारे जो युवा वर्ग है उनसे विशेष करके अनुरोध करूँगा कि ठीक है सोशल मीडिया पे जरूर रहें, पर साथ के साथ जो वर्चुअल वर्ल्ड की जगह जो रियल वर्ल्ड है उसके साथ जुड़ें। और मंदिर जो है एक ऐसा स्थान है जहाँ कि आप आ करके न तो आपको कोई तरह की लत लगेगी, कोई बुरी लत से आप बचे रहोगे। अगर आप आधा घंटा एक घंटा देते हो मंदिर की जो आरती वगैरह कोई लोग अटेंड करते हैं, जो उस समय जो प्रभु की कृपा है, जो वाइब्रेशंस हैं, जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, वो हमारे समाज को जो बुराइयों के रास्ते से बहुत हद तक बचाती हैं। तो मेरा युवा वर्ग से पुनः अनुरोध रहेगा कि आप मंदिर में अवश्य आए, जितना भी टाइम दें, हफ्ते में 10 मिनट ही दें, कोई ज़्यादा समय की भी ज़रूरत नहीं है। और मंदिर में जुड़ने से सब लाभान्वित ही होंगे, नुकसान किसी का नहीं होता। जय श्री राम। मैं संजय कुमार बेरी, सनातन धर्म सेक्टर 79 मंदिर सभा का मेंबर। परसों ये जो प्रोग्राम हमारे साथ होने जा रहा है ये बाबा जी की बड़ी कृपा है, और हमारी इसमें पूरी कोशिश रहेगी कि हम बढ़ चढ़ कर दिल से सारा प्रोग्राम को मतलब संभालेंगे, और सभी सेक्टर वासियों से, श्रद्धालु जितने भी हैं, मंदिर के कमेटी मेंबर्स हैं, सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि सारे मिलजुल के इसमें अपना हाथ बटाएं। आगे साथ साथ मैं जितने भी हमारे सहयोगी लंगर वाले हैं, जो लंगर बनाने वाले हैं, और जितने भी हमारे टेक्निकल लोग हैं जो मंदिर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई हमारा बिजली वाला इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, या कोई भी हमारे मिस्त्री हैं, लेबर है, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उन सब का भी धन्यवाद दिल से, तय दिल से करते हैं कि ये सब, इन सब की बदौलत ही ये कार्य जो है संपन्न होगा। तो मैं इसके साथ ही ये एक विनती करना चाहूँगा कि इस कार्य को सफल करने के लिए हम सब दिल से, तय दिल से मिलजुल के सारे काम करेंगे। धन्यवाद। मीडिया का भी धन्यवाद। और बहुत ज़्यादा हो गया।